सो हेलो एवरीवन, तो ये हमारा मैथमेटिक्स का वेरी फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है आपका नंबर सिस्टम, शुरू नाम है इसका, ठीक है। ये हमारा नंबर सिस्टम, देखिए आज के क्लास में जो भी हम पढ़ाएंगे काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स होगा, जो शुरू से जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब कुछ आप लोगों को पढ़ाएंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सिस्टम चलता कैसे है पहले तो एक सिस्टम बताएंगे, और ये मैथमेटिक्स का सिस्टम चलता कैसे है वो सब बताएंगे। अगर आपको, आप बहुत दिन पहले मैथमेटिक्स छोड़ चुके हैं फिर भी आपको पूरा का पूरा चीज़ें समझ में आएंगी, सब कुछ एक बार रिवाइज कर दूंगा पूरा शुरू से अंतिम तक। जो आपका जीरो लेवल का है वहाँ से स्टार्ट करूँगा और जो हाई लेवल का है वहाँ तक क्वेश्चन पूरा का पूरा करा दूँगा। तो आज तो हमारा पूरा का पूरा बेसिक क्लास ही है, और जो छोटे छोटे टर्म्स हैं मैथमेटिक्स में जिसके बिना आप मैथमेटिक्स कुछ पढ़ भी नहीं सकते, क्लास वन से लेकर के क्लास थ्री फोर फाइव तक जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ तक आज मैं पढ़ाऊंगा। और जो भी रोटेट करेगा 1 to 9 के बीच में ही रोटेट करेगा, जितना भी पढ़ाऊंगा पूरा 1 to 10 क्लास खत्म हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले है आपको बताऊँ कि एक होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो देखिए हमारा मैथमेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन अपने मन से सीख लिए हैं, ये एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करता है, उस सिस्टम का नाम है हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। तो देखिए ये हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो देखिए डिजिट्स हैं कौन, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये टोटल के टोटल 9 हमारे पास क्या हैं, डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हिंदू अरबिक सिस्टम ये टोटल का टोटल 9 क्या आपका डिजिट्स है, लेकिन इसमें और भी एक डिजिट्स है जिसको हम कहते हैं 0, ठीक है, इसको क्या कहते हैं 0। तो टोटल आप अगर काउंट करेंगे तो आपका टोटल का टोटल कितना हो जा रहा है, 10 डिजिट्स हो जा रहा है, ठीक है। इसी 10 डिजिट्स को यहाँ पर आपके नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल क्या हैं, 10 हैं, 10। और देखिए 10 का मतलब होता है डेसी, याद रखिएगा 10 का मतलब होता है डेसी, इसीलिए इसको डेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। तो एग्जाम में आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि हिंदू अरबिक सिस्टम को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा डेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। अब देखिए ये जो बहुत सारे डिजिट्स हैं, बहुत सारे डिजिट्स हैं, ये जितने भी आपके यहाँ पर डिजिट्स हैं ये सारे डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, हम न्यूमरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम न्यूमरल्स कहते हैं। तो ये जितने भी डिजिट्स के समूह हैं आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ डिजिट्स आप ऐसा भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड न्यूमरल्स कह सकते हैं इसको, आप क्या कह सकते हैं, न्यूमरल्स कह सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं ये सिस्टम में कि बहुत सारे डिजिट्स हैं और इस डिजिट को, एक डिजिट को दूसरे डिजिट से यूज करके हम क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। जैसे देखिए आपका कोई नंबर, कोई एक डिजिट है 5 और एक डिजिट ले लीजिए आप 2, तो इस टोटल को क्या कहते हैं, 52। तो ये जो 52 बन गया है इसको हम कहते हैं नंबर, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं नंबर। और ये बना किससे, 2 डिजिट से बना, कौन कौन, एक तो 5 और एक 2, ये दोनों क्या हैं आपके डिजिट्स हैं, ठीक है ना। तो 2 or more डिजिट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होकर नंबर को फॉर्म करते हैं। वैसे याद रखिएगा ये डिजिट्स खुद भी अपने आप में नंबर कहलाएंगे और डिजिट हमेशा सिंगल एंटिटी में रहेगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब सारे के सारे आपके डिजिट्स हैं और एक डिजिट दूसरे डिजिट से कंबाइन करके क्या बनाता है, नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये सिस्टम है, इसी सिस्टम को परफॉर्म करके हम कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को पढ़ाई करते हैं। अब डेसिमल सिस्टम होता क्या है, डेसिमल में याद रखिएगा बेस, डेसिमल सिस्टम में जो बेस है उसको 10 माना जाता है, बेस क्या माना जाता है, 10 माना जाता है। एग्जाम में पूछता है कि डेसिमल सिस्टम में बेस को हम क्या मानते हैं, तो याद रखिएगा 10। तो आप लोग देखते होंगे जैसे आप मान लीजिए 13 को और सपोज कीजिए 13 को और 18 को, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कैसे करके ऐड करते हैं, थोड़ा सा देखिए इससे पता चलेगा कि डेसिमल सिस्टम है क्या, बेस होता क्या है। देखिए आप लोग इसको जोड़ते कैसे हैं, 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 11 होता है,
तो 11 को आप लिख सकते हैं 10 प्लस 1 ऐसा इस टाइप का, है ना। तो ये जो 1 है इसको आप यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, और ये जो 10 है उसको एक आगे बढ़ा के यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस 10 को इसके बाद डाल देते हैं 1, और ये 10 को यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 3, तो ऐसे करके आप 31 ऐसे करके आप जोड़ते हैं। तो इसमें 8 प्लस 3 11 का 1 छोड़ देते हैं, रिमेनिंग 1 यहाँ पे ला देते हैं, अब 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पे 3 ऐसे करके लिख देते हैं। तो वो जो 1 यहाँ से यहाँ लाते हैं वो यहाँ का 10 यहाँ से यहाँ लाते हैं। तो यही हमारा जो 10 है ना, ये 10 वाला पार्ट जिसको आप यहाँ से यहाँ लाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम पे चल रहा है जिसका नाम है हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम या फिर डेसिमल सिस्टम, जिसमें हम करते क्या हैं, बेस 10 मान करके ये जो 10 होता है वो आगे वाले को हम दे देते हैं। यही हमारा डेसिमल सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम का क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो जनरली हम आपको और भी पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आपको बस इतना याद रखना है कि मैथमेटिक्स जो हमारा रोटेट करता है वो हिंदू अरेबिक सिस्टम पे, कहीं ना कहीं वो एक डेसिमल सिस्टम को ही फॉलो करता है जिसका बेस 10 होता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, और दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म अ नंबर, वो एक दूसरे से मिल करके क्या बनाते हैं, नंबर को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो एक सिस्टम है, सिस्टम ऐसा कहता है कि अगर कोई भी नंबर है तो वो उसका प्रॉपर प्लेस है, ठीक है ना, वो एक प्रॉपर प्लेस के में ओरिएंट रहता है। ऐसा नहीं है कि आप आर्बिट्री इधर उधर कर देंगे। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई नंबर है 5, 3, 2, 4, 6, 9 और 8, ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। तो ये एक यूनिक नंबर है, और जितना भी डिजिट है ना वो एक पर्टिकुलर प्लेस को क्या कहते हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर आप एक भी चीज़ को रिप्लेस कर देंगे तो नंबर बदल जाएगा। जैसे आप इस नंबर में यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे तो वो पिछला वाला नंबर से बदल जाएगा। तो आपका नंबर था 9 और 8 तो यही रहने दीजिए। जैसे देखिए कोई नंबर है आपका 25 और कोई नंबर है आपका 25 है, इंटरचेंज कीजिए, तो 5 यहाँ कीजिए, 2 यहाँ पे कीजिए, तो ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। तो आप ये जो डिजिट्स है ना उसको आप ऐसा नहीं है कि जहाँ मन वहाँ आप डाल देंगे, उसका एक प्रॉपर प्लेस है। अगर आप इस यूनिक प्लेस को आप छोड़ देते हैं तो फिर वो नंबर भी आपका बदल जाता है। तो अगर आपको किसी नंबर को डिफाइन करना है तो उसके प्लेस को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए इसका हर एक डिजिट का एक प्रॉपर प्लेस है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस, क्या कहते हैं हम, यूनिट प्लेस। जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं टेंस प्लेस। जो थर्ड वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड प्लेस। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम हंड्रेड के पास थाउजेंड प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, टेन थाउजेंड प्लेस। ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं लाख प्लेस, इसको हम कहते हैं टेन लाख प्लेस। और भी कोई नंबर लीजिए, यहां पे लीजिए वन, इसको कहते हैं हम फिर क्रोर्स प्लेस। और भी कोई नंबर लीजिए तो टेन करोड़ प्लेस, ऐसे करके होते हैं। तो ये प्रॉपर यूनिक पोजीशन जो है ना वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, जो कि आपको सारा प्लेस मैंने यहां पे डिफाइन करके दे दिया है। अब देखिए यूनिट प्लेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे आप ऐसे करके पहले एक चीज लिख लीजिए, एट है, और इसके बाद जो है एट है, तो चूंकि यूनिट प्लेस है तो वन से गुना कर दीजिए। यहाँ पे नाइन है तो यहाँ पे नाइन है इन टू, चूंकि ये टेंस प्लेस पे है तो टेन से गुना कर दीजिए। ये वाला पार्ट देखिए, ये सिक्स है, चूंकि हंड्रेड प्लेस पे है तो हंड्रेड से गुना कर दीजिए। फिर यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे लिख दीजिए फोर, और क्योंकि ये थाउजेंड प्लेस पे है तो थाउजेंड से गुना कर दीजिए। यानी तो फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना भी याद कर सकते हैं कि जैसे ये टू है तो ऐसे लिखिए, टू के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे वन पे 1, 2, 3, 4 डिजिट डाल दीजिए। ऐसे यहाँ पे 3 है तो 3 ऐसे कीजिए, और 3 के आगे 5 डिजिट है तो 1, 2, 3, 4, 5। अगला क्या है आपका 5, तब ऐसे कहकर 5 कीजिए, 1 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, चूँकि 5 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है। फिर यहाँ पे 1 है तो ऐसे करके लीजिए 1 into 1 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे करके आप
सारे नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, और जिस प्लेस पे है उसको ऐसे करके मैंने ओरिएंट कर दिया। तो ये जो वैल्यू आप निकालते हैं, ये सारा का सारा वैल्यू, इसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। तो ऐसे करके प्लेस को डिफाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक और होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। तो वो इट्सेल्फ होता है, खुद होता है, इट्सेल्फ नंबर, इट्सेल्फ ऐसा होता है। तो ये बताता हूँ कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन भी करूँगा और आपको अच्छे से बताऊँगा। तो इसको याद रखिए, चूँकि जिस प्लेस पे है उसी प्लेस को ऐसे करके मैंने ओरिएंट कर दिया है, इसलिए इसको हम उसको प्लेस वैल्यू कहेंगे। और जो जैसे 4 का इसमें फेस वैल्यू क्या है, तो वो 4 ही होगा, नंबर इट्सेल्फ होता है, या फिर डिजिट इट्सेल्फ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो डिजिट इट्सेल्फ भी लिख सकते हैं। तो जिसका आप डिजिट इट्सेल्फ, जिसका फेस वैल्यू होगा वो खुद ही होगा। जैसे इस नंबर में कहेगा 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो 6 ही होगा। बट अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो प्लेस वैल्यू आपका ये 600 होगा। ऐसे करके आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। वैसे आपको मैंने ये बताया कि किसी कोई भी नंबर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होता है, तो ये ओरिएंटेशन मैंने ऐसे करके दिखा दिया है, ठीक है? अब अगला हमारा जो डेफिनेशन है वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का है, ठीक है? तो एग्जाम में आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पूछते हैं। ये जो मैं मिटा रहा हूँ, आप थोड़ा सा पीछे बैक करके पॉज करके वीडियो को अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सारा का सारा आपको कॉपी में लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते रहना है। अगला देखें, एक वर्ड है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, अगर किसी कोई स्टूडेंट फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू नहीं जानता है तो क्वेश्चन तो बहुत आसान आता है, बट आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये गारंटी है। अगर आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, छोटा सा ये टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हैं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गारंटी है कि नहीं बनेगा। तो अगर आपको, आप चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन बने, तो छोटी छोटी बातों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए, इन द नंबर ऐसे करके देगा 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसा पूछेगा इस नंबर में। द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज, और दूसरा पूछेगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो कभी भी किसी भी नंबर में अगर आपको फेस वैल्यू पूछे, तो 3 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो ये 3 है, तो वो जो फेस होता है वो खुद ही होता है आंसर, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। बट जब आपको प्लेस वैल्यू पूछे, तो यहाँ पे प्लेस पे 3 तो है और आगे कितने हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है? तो ऐसे करके आप यहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आपको फेस वैल्यू पूछे तो वो नंबर खुद हो जाएगा, जिसके जो पूछ रहा है वही आंसर हो जाएगा, और अगर प्लेस वैल्यू पूछेगा तो देखिए उसके आगे कितना डिजिट है, उतना जीरो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया और यहाँ पे इस बार आपको 2 का पूछ लिया, किसका पूछ लिया, नहीं तो ऐसा कीजिए कि इस बार आपको 5 का पूछ लिया, 5 का आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों पूछ लिया इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो इन द गिवन नंबर 2, 3, 4, 5, 1 फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 का प्लेस फेस वैल्यू तो 5 ही होगा, और अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं तो 5, और 5 के आगे कितना डिजिट है, एक ही है, तो 10 यहाँ पे डाल दीजिए, 50। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो आसान है, फेस वैल्यू बोले तो खुद ही आंसर हो जाएगा डिजिट सेल्फ, और अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो आगे देखिए कितना डिजिट है, उतना उस नंबर पर उतना डिजिट, उतना जीरो आप बिठा दीजिए, तो वही उसका प्लेस वैल्यू होगा। और क्यों बिठा दिए वो आपको मैंने पहले बता चुके हैं। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में अक्सर आता ही रहता है, यूडीसी में तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है, जो छोटे छोटे एग्जाम में होते हैं उसमें यूडीसी में छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसा आता रहता है। जैसे देखिए, एक कुछ टर्मिनोलॉजी को याद रखिए, सम का मतलब मैथ्स में प्लस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, सम हो गया डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट का मतलब इनटू होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोडक्ट का मतलब, ये सब छोटे छोटे हैं, और इज का मतलब इक्वल टू होता है, ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए, और भी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। टाइम्स का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सब कुछ हैं टर्मिनोलॉजी, तो इसको आप याद रखिए, ये सब आपको कभी कभी काम करेगा। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है, फाइंड
द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इन 3, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 1 ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत आसान है, विद इन सेकेंड्स आपके आंसर लग जाने चाहिए। होप कि आप लोग आंसर बता दिए होंगे। तो पहले आप लोग पॉज करके इसका आंसर बताइए कितना होगा, इसके बाद मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इन 3, 2, 4, 6, 1। तो देखिए, जब कहेगा फेस वैल्यू तो किसका पूछ रहा है, फोर का। तो फोर का फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू एफ वी से लिख दिया हूँ, फेस वैल्यू कितना होगा, फोर का फोर ही होगा। और प्लेस वैल्यू कितना होगा, प्लेस वैल्यू तो ये फोर है और आगे कितना डिजिट है, दो, तो दो जीरो डाल दीजिए, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ, सम का मतलब होता है जोड़ना, तो दोनों का फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को क्या कर रहा है, इस दोनों का सम पूछ रहा है, मतलब जोड़ के बताओ कितना होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे 4 + 400, तो आंसर आपका कितना होगा, 404। आसानी से ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, देखने को अक्सर मिलते हैं। अगर यहीं पे आपका प्रोडक्ट लिखता, सम नहीं लिख के प्रोडक्ट लिखता, तो गुना कर देते, तो दोनों को गुना करते तो 4 × 400 = 1600 आपका आंसर हो जाता। तो ऐसे करके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने आसानी से यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो और आप लोग आसानी से समझ भी गए हों। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए अगला चीज़ है हमारा टॉपिक में, आगे हम बढ़ते हैं। फेस वैल्यू प्लस वैल्यू मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगे आप देंगे, आप लोग आराम से यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम नंबर्स पढ़ेंगे, इससे पहले एक छोटा सा हम चीज़ आपको पढ़ाते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ाते हैं, बहुत आसान चीज़ है। ये क्या है, देखिए इंटीजर होता क्या है, ये एक नंबर लाइन होता है। क्या होता है, ये एक नंबर लाइन, इसको आप कह सकते हैं रियल लाइन भी कह सकते हैं, रियल लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है ज़ीरो, यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस टाइप का आपका इंटीजर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। तो इस टाइप के इंटीजर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसमें होते क्या हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जीरो कहलाता है, और आगे वन है और आगे माइनस वन है। तो देखिए यहाँ पे ये जो वन है ना, इसके नीचे में हमेशा क्या होता है, ये वन छिपा होता है, टू के नीचे में हमेशा वन छिपा होता है, थ्री के नीचे में हमेशा वन छिपा होता है। तो ऐसा है कि जिसके नीचे में हमेशा वन छिपा रहे वो आपका इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर हमेशा 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, -3, 4 इस टाइप का, या ज़ीरो, इसी के फॉर्म में होते हैं। कभी भी इंटीजर इस टाइप का नहीं होगा, 3/2, इसको कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इंटीजर बस बता रहा हूँ। तो ये सारे जो है ना, सारे के सारे, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसको क्या कहेंगे हम, निगेटिव, चूंकि ये निगेटिव है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर्स। और ये जीरो है तो इसको क्या कहेंगे हम, जीरो इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, ये तीनों का तीनों मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी आपको पूछे कोई एग्जाम में कि क्या जीरो इंटीजर है, तो जीरो इंटीजर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी इंटीजर है। -1, -2, -3, -4 ये भी आपका इंटीजर है। और जितने भी इंटीजर हैं उसको रियल लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटीजर के बारे में मैंने बता दिया, हमको तो मेन पढ़ना है नंबर्स। तो नंबर्स में इंटीजर्स भी होते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ, पहले नंबर्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखिए तो देखिए, नंबर जनरली आपके पास दो ही टाइप के होते हैं। नंबर्स कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो नंबर आपका दो ही टाइप का हो सकता है, या तो आपका इमेजिनरी नंबर होगा, या नहीं तो आप फिर आपका रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर और ये हो गया आपका रियल नंबर। याद रखिएगा, ये जो रियल नंबर है इसका दो पार्ट है, ठीक है, इसका दो पार्ट है। एक है आपका रैशनल नंबर,
और दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। और याद रखिएगा ये जो रैशनल नंबर हैं इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे रैशनल नंबर के टाइप हैं, शुरुआत करता हूँ मैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर सेकंड वाला जो है आपका है वो है होल नंबर। जो थर्ड वाला पार्ट है वो है आपका इवन नंबर। फोर वाला पार्ट है ये है आपका ऑड नंबर। फाइव वाला पार्ट है वो है आपका प्राइम नंबर। और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे आपका प्राइम नंबर के बाद है कंपोजिट नंबर या फिर परफेक्ट नंबर। तो ये सब कुछ बेसिक टाइप्स हैं रैशनल नंबर के, तो जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। सारे के सारे ये क्या हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर के सारे ये सब टाइप्स हैं। ये सब सारा का सारा चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, एक एक करके डिफिनीशन भी पढ़ाऊँगा। और इरेशनल नंबर एक अलग टाइप है, तो ये भी आपको अलग से मैं पढ़ूँगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में ये रियल नंबर आता है। ठीक है, ये आता है। और इमेजिनरी नंबर आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं आता। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं आता। वैसे आप चाहें तो एक चीज़ याद रख सकते हैं, देखिए अंडर रूट ऑफ माइनस वन, इस अंडर रूट ऑफ माइनस वन इसको हम कहते हैं आई, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा से। क्या चीज़ से पढ़ते हैं? आयोटा से। तो ये जो अंडर रूट ऑफ वन है इसी को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव रूट डिफाइन नहीं होता, निगेटिव रूट इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए हम निगेटिव रूट को हम माइनस सिर्फ आयोटा से लिख देते हैं। आयोटा का मतलब इमेजिनरी, और ये हमारा डिफाइन नहीं होता, इसीलिए इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वैसे इसका स्टडी आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें किया जाता है। आप लोग के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसीलिए इसको मैं अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ और इसको कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप लोग का एग्ज़ाम में जो आता है वो रियल नंबर से क्वेश्चन आते हैं। और रियल नंबर में भी शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर में। इसमें दो टाइप का रियल नंबर होता है, दो टाइप का नंबर होता है, एक रैशनल एक होता है इरेशनल। तो अगर आपको रियल नंबर को डिफाइन करने बोले तो आप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, नीचे में भी लिख सकते हैं रियल नंबर का डेफिनेशन। यहाँ पे तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप नीचे में लिख लीजिए, है ना। तो इट इज द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह का, ये रैशनल और इरेशनल का क्या है, समूह है। मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा रियल नंबर। ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल हो सकता है, इससे ज़्यादा अलग कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हमको यही रियल नंबर पढ़ना है, रियल नंबर में हमको रैशनल नंबर मेन पढ़ना है, उसका सारा टाइप पढ़ना है, इसके बाद फिर इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर तो मैंने आपको सिंपली आपको ऐसे करके डिफाइन कर दिया, अब रैशनल नंबर को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, रियल नंबर का एग्जांपल लिया जाए तो जितने भी नंबर्स हैं सिर्फ आयोटा को छोड़ के, सारा का सारा कुछ भी नंबर आप बोलिए, 3/4, 4/5, 8/9, 6/8, कुछ भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -3, -4, -8, -3, कुछ भी बोलिए आप, जो भी बोलेंगे नंबर्स में सिर्फ आयोटा को छोड़ के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो अभी हमको मेन पढ़ना है रैशनल नंबर और उसके सारे टाइप्स। जैसे ही रैशनल नंबर और उसके सारे टाइप्स पढ़ लेंगे फिर हम आपको इरेशनल नंबर पढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर पे। किस पे चलते हैं? रैशनल नंबर पे चलते हैं। ठीक है, होप कि आप लोग को ये रैशनल नंबर काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो देखिए रैशनल नंबर होता क्या है, पहले ये देखिए। तो रैशनल नंबर होता क्या है, देखिए, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और जहां पे क्यू जीरो ना हो, ऑल्सो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी क्यू क्या है आपका, जहां पे पी और क्यू क्या है आपका, इंटीजर्स है। पी एंड क्यू क्या है आपका, जहां पे पी और क्यू क्या है आपका, इंटीजर्स है। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी क्यू क्या हो आपका, इंटीजर्स हो। ठीक है, और इसमें एक चीज और याद रख लीजिए, ऑल्सो इट शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट
सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि इट शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, इसका मतलब ये होता है। तो एक एक करके मैं बताता हूँ, देखिए इसका मतलब ये होता है कि इट शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि एक नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे q जीरो ना हो, ठीक है, ऑल्सो इट शुड नो एंड इट शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, एंड इट शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसका मतलब क्या है देख लीजिए, याद रखिएगा कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में इस टाइप का होता है तो इस चीज को याद रखिएगा, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। देखिए अभी तो मैं बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये छोटा छोटा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में बहुत सब काम आते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर यही चीज़ लेंथी बना दूंगा इसी को। यहाँ पर आसान आसान चीज़ें छोटा छोटा पढ़ा रहा हूँ, बट जब फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब पढ़ाने लगूंगा। तो देखिए ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, देन तो याद रखिएगा ये कह रहा है कि q यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे देखिए 2/3 क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो देखिए ये एक p बाई क्यू के फॉर्म है कि नहीं, p बाई क्यू के फॉर्म होना चाहिए, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, और यहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए, q का मतलब नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं है, थ्री है, तो चलो ठीक है। ऑल्सो p एंड q आर इंटीजर्स, देखिए ये जो p है और ये जो q है, ये p और q बोले तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल ये इंटीजर है, टू भी इंटीजर है और थ्री भी इंटीजर है, इंटीजर आपको पढ़ाया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब है, -1, -2, -3, -4 सब है, जीरो भी एक इंटीजर है ना, तो ये इंटीजर भी है, तो बस आपका इसीलिए रैशनल नंबर होगा। और एक चीज़ है कि इट शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका मतलब ये है कि देखिए टू वन ये दोनों कोई चीज़ से कटेगा नहीं कटेगा, जैसे देखिए आपका अगर मान लीजिए 18/8 है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 से कटेगा, 2 9 8 और 2 से 2 4 8 ऐसे करके आएगा, 2 9 18 और 2 4 8 ऐसे करके 9/4 यहाँ पे आपका 2 से कट गया, तो 9/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है, बट 18/8 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, 18/8 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये कट जा रहे हैं, तो ये कह रहा है इट शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये है कि ऊपर नीचे कटना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे क्या नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, तो ऊपर नीचे कोई भी चीज़ है दोनों चीज़ को आप नहीं काट सकते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, याद रखिएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर आपको कोई पूछे कि 8/6 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो नहीं है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो नहीं है। कोई आपको पूछे 18/15 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, 3 6 18 3 5 15 तो ये दोनों कट गया, इसलिए 18/15 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये कटना नहीं चाहिए, और नहीं कटना का मतलब ही होता है इट शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। जैसे 1 1 से दोनों कट जाएगा, 1 1 को छोड़ के और किसी और 1 से कटना ही नहीं चाहिए, तभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तभी इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे, इसलिए 2/3 क्या है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम में पूछेगा क्या 5/0 क्या ये रैशनल नंबर है, तो ये अगर आपको एग्जाम में पूछेगा ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो इसमें देखिए नीचे में जो है ये आपका जीरो वाला पार्ट है, नीचे में है वो आपका क्या है, नीचे में है आपका क्या जीरो है, नीचे में आपका क्या है जीरो वाला पार्ट है, तो उसको मत बजाओ, नीचे वाला जो पार्ट है वो है आपका क्या है आपका जीरो वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आपको एक रैशनल नंबर होने के लिए नीचे वाला पार्ट आपका जीरो नहीं आना चाहिए, वेयर क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्यू है आपका जीरो, इसीलिए ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, तो मैंने काट दिया। तो ऐसे करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगला देखिए क्या 5/3 क्या रैशनल नंबर है, बिल्कुल ये रैशनल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है ना। अब अगला पूछेगा आपको एग्जाम में कि क्या 5 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, एग्जाम में यही पूछेगा, तो ये 5 भी एक रैशनल नंबर है या नहीं, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो क्या 5 के नीचे में कुछ नहीं होता है, तो हमेशा 1 छिपा होता है। तो देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, मतलब 5 भी तो इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इसलिए 5 भी आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने इतना आपको एग्जाम्पल दे दिया, और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए क्या 0/3 क्या रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। और देखिए आपको मैंने बोला था क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो हो सकता है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिनोमेटर जीरो नहीं है, ऊपर वाला जीरो है, तो बिल्कुल ये है। अब आप लोग ऐसे ही करके बताइए कि 22/7 क्या रैशनल नंबर है या नहीं है, आप लोग मुझे बताइए, और चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपने मन से बोलिए, फिर मैं आपका इसका आंसर बताऊंगा। तो अपने मन में ही बताइए कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो देखिए बिल्कुल ये होगा, क्यों, क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे एक दूसरे को काट भी नहीं सकता, इसलिए ये रैशनल नंबर कहलाएगा। तो याद रखिएगा 22/7 क्या है, एक आपका रैशनल नंबर है। तो ये सारा का सारा रैशनल नंबर का एग्जाम्पल भी लिखा दिया मैंने, और सब कुछ पढ़ा भी दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है, फिर इसके टाइप्स बताऊँगा, छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में, तो उस कन्फ्यूजन को यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। वो कन्फ्यूजन क्या रहता है वो देखिए, कन्फ्यूजन ये रहता है कि एग्जाम में ऐसा पूछेगा 0/5 कितना होगा, 0/5 कितना होगा, और 5/0 कितना होगा। ये बहुत सारा बात बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता है वो आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे करेगा ऑप्शन देगा 0/1/5, डी आपका फिर देगा अनडिफाइंड, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप चाहें तो इसमें टिक लगा सकते हैं। देखिए आपका बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है गलती बता दें, जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं बेसिक स्टूडेंट को मान के पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए देखिए कौन से स्टूडेंट सही बता रहे हैं, कौन गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 0/5 कितना होगा, तो याद रखिएगा 0/5 ये आपका जीरो कहलाएगा, ठीक है, और 5/0 ये आपका अनडिफाइंड कहलाएगा। ये क्यों कहलाएगा वो याद रखिएगा, एक चीज नोट में याद रख लीजिए कि कभी भी एनीथिंग कुछ भी हो, यानी तो फिर या आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी नंबर एक्स हो, जब इसको आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमेशा अनडिफाइंड होता है। जैसे 5/0 ये आपका अनडिफाइंड होगा, 8/0 ये भी अनडिफाइंड होगा, 7/0 ये भी अनडिफाइंड होगा, 200/0 ये भी आपका अनडिफाइंड होगा। तो कभी भी जीरो में नीचे में जीरो आ जाए तो हमेशा अनडिफाइंड कहलाता है, और हमेशा अनडिफाइंड में टिक मारिएगा जब आपका नीचे में जीरो आए तब। और याद रखिएगा 0/0 इन जनरल मैंने लिख दिया एक्स, यहाँ पर 0/5 है तो कुछ भी हो, मान लीजिए 0/6 हो, 0/9 हो, 0/200 हो, कुछ भी हो, तो हमेशा आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। तो 0/0 0/5, 8, 7, 3, 2 कुछ भी रहे तो आपका जीरो कहलाएगा, और नीचे में अगर जीरो आ गया तो हमेशा वो अनडिफाइंड कहलाएगा। एक एक्सेप्शन केस है एक्स के जगह पे, जहाँ पे एक्स आपका जीरो नहीं होता है, खैर इसको समझने की जरूरत नहीं है, नीचे में आप याद रखिएगा। लेकिन एक ही बात है कि ये 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इनडिटर्मिनेट। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, जो अच्छे एग्जाम है उसमें पूछेगा, तो 0/0 बस इतना याद रखिएगा कि इनडिटर्मिनेट है, अदरवाइज एनीथिंग 0/0 देगा तो आपका अनडिफाइंड कहलाएगा, और 0/0 देगा तो वो आपका क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इस टाइप की चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो एक बेसिक कन्फ्यूजन होता है जो कि आप लोग का मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। आप लोग आंसर दे सकते हैं, जैसे 0/500 जीरो होगा, 0/30 ये भी जीरो होगा, 0/90 ये भी जीरो होगा, 90/0 अनडिफाइन होगा, 50/0 अनडिफाइन होगा, 5/0 अनडिफाइन होगा, 20/0 अनडिफाइन होगा, 9/0 अनडिफाइन होगा। तो ऐसे करके होता है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो चलिए मैंने आपको रैशनल नंबर पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, रैशनल नंबर पढ़ा रहा था। अब देखिए रैशनल नंबर जब मैं पढ़ा रहा था तो इसमें देखिए क्या है, रैशनल नंबर के कुछ टाइप्स बता रहे थे, तो इसके मैं टाइप्स आप लोगों को बताऊंगा। रैशनल नंबर तो पढ़ा दिया, इसके आज मैं टाइप्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहला टाइप जो है वो है आपका नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे के सारे काउंटिंग नंबर क्या कहलाएंगे आपके, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। जैसे आप पैसा गिनते हैं तो आप जीरो से कभी नहीं गिनते, जीरो वन टू नहीं करते, वन टू थ्री फोर ऐसे करते हैं। इसलिए काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे करके सारे के सारे ये आपके नेचुरल नंबर कहला जाएंगे, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा देखिए, सेकेंड वाला पार्ट है हमारा होल नंबर, क्या हमारा होल नंबर, ठीक है ना। तो ये जो होल नंबर होता है ये आपका ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, टुगेदर विथ क्या आपका जीरो, जीरो को इंक्लूड करके जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके, होल नंबर कहलाते हैं। जैसे देखिए आपके पास काउंटिंग नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे करके तो था, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा कि क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है, तो जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, है ना। जीरो एक होल नंबर है, तो जीरो एक होल नंबर है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इसमें एक उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इज ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे। तो देखिए ये सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं ऑब्वियसली ये होल नंबर भी है, देखिए ये भी है, ये भी होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर हैं। जीरो भी होल नंबर है, बट हम ये कह रहे हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, ये बिल्कुल बात सही है। इसका उल्टा भी पूछता है कि इज ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर कहलाएंगे, तो नहीं, नेचुरल नंबर सिर्फ वन से लेके आगे जो भी होगा उसको कहेंगे, जीरो एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऐसे करके एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। चलिए ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड है आपका इवन नंबर। इवन नंबर होता है नंबर डिविजिबल बाई टू, ऐसे नंबर जो कि दो से डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो टू वन जा पढ़ दीजिए, वही आपका एग्जाम्पल अगर आप इसका दें, ये सब सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ये भी इसके एग्जाम्पल में। तो टू वन जा पढ़ दीजिए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल में देखिए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, ऐसे करके सारे के सारे क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे, सॉरी इवन नंबर कहलाएंगे। और फोर नंबर है वो क्या है आपका, ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर नॉट डिविजिबल, नंबर नॉट डिविजिबल बाय टू, ऐसे नंबर जो कि दो से डिविजिबल नहीं है उसको क्या कहते हैं, हम सिंपली ऑड नंबर कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल, एग्जांपल कैसे देता हूं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन ऐसे करके आप आगे जा सकते हैं, है ना। तो आपको यहां पे मैंने नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर बता दिया, इवन नंबर बता दिया और ऑड नंबर बता दिया। तो ये सारे के सारे आपके चार टाइप थे, और भी हम तीन टाइप बताए थे जिसमें आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर ये सब पढ़ाए थे, तो वो सब आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए आपको नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर बता दिया, इवन नंबर बता दिया और ऑड नंबर बता दिया, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने चीज़ें आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आता है इवेन और ऑड पे, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, होप कि आप लोग पहले भी बचपन में पढ़े होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सब नहीं जानता है तो उसको जानना ये बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा इनको पढ़ा दिया। अब देखिए एक चीज़ देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है नोट में, देखिए नोट में ऐसा पूछता है कि ज़ीरो इज वट, ए लिखेगा ऑप्शन इवन, बी लिखेगा आपका ऑड, सी लिखेगा आपका बोथ, इवन एंड ऑड, डी लिखेगा नन, ऐसा करके क्वेश्चन पूछे। आप लोग तत्कालीन अपने मन से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, होप कि आप लोग सही बताएंगे, नहीं तो मैं ही आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना, और जनरली क्वेश्चन ये आता ही आता है। तो आपको पूछेगा जीरो क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है,
या दोनों इवन ऑड है या कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमेशा आपको किस में टिक लगाना है, इवन में टिक लगाना है, ठीक है। तो जीरो एक इवन नंबर है, याद रखिएगा, आता है एग्जाम में डायरेक्ट आपको टिक मारना है, बहुत सारे बुक में ये मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका मैं क्लू देता हूँ क्यों ये इवन है, अगर किसी को ये स्टूडेंट जानना चाहे कि क्यों ये इवन है, तो देखिए यहाँ पे ये ज़ीरो है, यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, और फिर आगे सेवन है, ऐसे करके बहुत सारे इंटीजर हैं। जीरो इवन है या ऑड है ये अगर आपको जानना है तो एक छोटा सा क्लू देखिए। देखिए सबसे पहले ये सेवन क्या है आपका, ऑड है, सिक्स क्या है, इवन है, ये फिर क्या है, ऑड है, फिर क्या है, इवन है, ये थ्री क्या है, ऑड, टू क्या है, इवन, वन क्या है, ऑड, तो जीरो क्या होना चाहिए। तो देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इवन होना चाहिए, इसलिए जीरो क्या है आपका, इवन नंबर है। तो आफ्टर एवरी इवन इंटीजर देयर इज ऑड इंटीजर, एंड आफ्टर एवरी ऑड इंटीजर देयर इज इवन इंटीजर, हर एक इवन इंटीजर के बाद ऑड इंटीजर होता है, ऑड इंटीजर के बाद इवन इंटीजर होते हैं। तो चूंकि वन एक क्या है, ऑड इंटीजर, तो इसके पहले जो होगा जीरो गारंटी है कि इवन होगा, इसीलिए इसका ये हम क्ल्यू दे दिए, एक छोटा सा क्ल्यू है और इसी से इसका आंसर छिपा हुआ है, वो एक इवन नंबर है और ये चीज़ एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना, तो इवन और ऑड में, ठीक है। एक छोटी सी बातें और बता देता हूँ, छोटी सी बातें और हैं, देखिए इवन और ऑड, इवन नंबर हमेशा 2n के फॉर्म में रहेगा और ऑड नंबर हमेशा 2n प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा, जहां पे n जो है ना वो है आपका इंटीजर है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यहां भी n आपका इंटीजर है। तो अगर कोई नंबर 2n प्लस 1 का फॉर्म ले रहे हैं तो वो जरूर ऑड नंबर होगा, और 2n का फॉर्म ले रहा है तो इवन होगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, इस दोनों फॉर्म है, इवन का फॉर्म है 2n और ऑड का फॉर्म है 2n प्लस 1, ठीक है। तो आपने इतने टाइप के रैशनल नंबर पढ़ लिए, अब 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 नंबर जो है इसका टाइप वो क्या है आपका, प्राइम नंबर, ये भी आसान है। प्राइम नंबर क्या है देखिए, देखिए ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ठीक है ना, एक ऐसा नंबर जिसका एग्जैक्टली टू फैक्टर हो वही प्राइम नंबर कहलाता है। वो दो फैक्टर कौन है, तो एक तो वन एंड इट्सेल्फ, एक तो वन हो और दूसरा वो खुद हो, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें कौन प्राइम नंबर है कौन प्राइम नंबर नहीं है तो वो आपको बताना है। तो जैसे देखिए वन जो है सिर्फ वन वन जा में आते हैं, टू जो है वन वन जा और टू वन जा दोनों में आते हैं, थ्री जो है वन वन जा और टू वन जा में आते हैं, वन वन जा और थ्री वन जा में आता है, फोर वन वन जा में भी आता है, टू वन जा में भी आता है, फोर वन जा में भी आता है, फाइव वन वन जा और फाइव वन जा में आता है, सिक्स वन वन जा, टू वन जा, थ्री वन जा, सिक्स वन जा में आता है, सेवन वन वन जा और सेवन वन जा में आता है, ठीक है। तो अगर आपको प्राइम जानना है कि कौन है प्राइम, तो याद रखिएगा उसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होना चाहिए। टू फैक्टर किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें तीन है तो ये नहीं होगा, इसमें एक ही है तो ये भी नहीं होगा, इसमें दो है तो होगा, तो ये होगा, ये होगा और ये होगा, इसमें चार है तो नहीं होगा, है ना, इसमें दो है तो होगा, एग्जैक्टली जिसमें दो फैक्टर होंगे वही आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो सबसे छोटा प्राइम इसमें कौन है, तो देखिए सबसे छोटा प्राइम टू है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल अगर इसका लिखना है आपको तो सबसे छोटा प्राइम आपका टू, फिर कितना थ्री, क्योंकि दो है इसमें तो थ्री। अब आपका फोर प्राइम नंबर नहीं है चूंकि ये टू से कट जाता है तो फोर छोड़ दीजिए। अब अगला क्या है, फाइव, तो फाइव। सिक्स प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि टू से भी कटता है और थ्री से भी कटता है, नहीं कटना चाहिए कोई भी चीज़ से, तो सिक्स नहीं होगा। सेवन, सेवन वन और वन से कटेगा, दूसरा खुद सेवन से कटेगा और बीच में कोई भी चीज़ से नहीं कटेगा, इसलिए प्राइम नंबर होगा। एट प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि वन और एट से तो कट रहे हैं बट टू से भी कट रहे हैं और एट से भी कट रहे हैं, इसलिए एट नहीं होगा। नाइन भी नहीं होगा क्योंकि थ्री से कट रहे हैं और नाइन से कट रहे हैं, तो नाइन भी नहीं होगा क्योंकि थ्री से, नाइन से, वन से, सबसे कट रहे हैं, सिर्फ दो से ही कटना चाहिए। टेन भी नहीं होगा क्योंकि टू से भी कट रहा है, फाइव से भी कट रहा है, वन से भी कट रहा है, टेन से भी कट रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होना चाहिए। फिर इलेवन होगा
क्योंकि 11 वन से और किसे कट रहे हैं, 11 से कट रहे हैं। अगला 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 13 के बाद आपका 17, 18 नहीं होगा, 90 होगा, 19 के बाद 20 नहीं, 21 भी नहीं होगा क्योंकि 7 से भी कटता है और 3 से भी कट रहा है, 22 भी नहीं होगा, 23, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 21 के बाद 31, 31 के बाद 33 नहीं होगा क्योंकि 11 से कटता है, 34, 35, 36 भी नहीं, 37 होगा, 38 नहीं, 39 भी नहीं होगा क्योंकि 13 से कटता है, 40 भी नहीं होगा, डायरेक्ट 41 होगा, 43 होगा, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, डायरेक्ट 47, 48 नहीं क्योंकि 49 भी नहीं क्योंकि 7 से कटता है, इसका 51 भी नहीं, 50 भी तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 51 17 से कट जाता है, इसके बाद अगला क्या होगा, 53 होगा। ऐसे ही करके आप, ऐसे करके आप आगे जा सकते हैं। ये सब सारे के सारे आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ वन और वो खुद से कटना चाहिए, बीच में कोई भी चीज़ से नहीं कटना चाहिए, तभी उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं अब मैं ये दिखा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आर्बिट्री मैं खुद ही बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, ऐसा आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, ऐसा क्वेश्चन होगा। ऑप्शन में आएगा 0, 1, 2, 3, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो होप कि आप लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना देंगे। जब आपका LDC UDC का छोटा छोटा एग्जाम होता है तो ये सब छोटी छोटी बातें बच्चों को नहीं आता। तो सबसे छोटा प्राइम 2 है, लेकिन वो 1 में फिर भी 0 में कहते हैं, 1, 0 ज़्यादातर आंसर आता है तो इसमें टिक मार के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबसे छोटा प्राइम क्या है आपका, 2 है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप खट से लगा देंगे। और भी क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, ऑड प्राइम ऐसा क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके दे देगा। तो सबसे छोटा ऑड प्राइम क्या है, ये भी बात भी एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटा ऑड प्राइम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो सबसे छोटा प्राइम 2 तो है, बट 2 आपका इवन है। ठीक है ना, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम क्या होगा आपका आंसर, ऑब्वियसली 3 होगा, क्योंकि 2 तो आपका इवन है लेकिन आपको पूछ रहा है सबसे छोटा ऑड, तो सबसे छोटा ऑड क्या है, एग्जैक्टली 3 होगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल एग्जाम में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो होप कि आप लोग को ये सब सारा का सारा समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन पूछेगा, अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए इवन, बी ऑड, सी इधर इवन और ऑड, और डी आपको नन, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ देगा कि प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, इवन होता है या फिर ऑड होता है, या फिर इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो देखिए प्राइम नंबर यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये 2 आपका इवन है, बाकी जितने भी सारे के सारे हैं नंबर, सारे के सारे ऑड हैं। तो याद रखिएगा, एक प्राइम नंबर इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, इधर इवन और ऑड। इवन कब होगा, जब 2 होगा तब, और बाकी कुछ भी होगा तो वो ऑड कहलाएगा। मतलब ये इवन ऑड दोनों हो सकते हैं, जब हमेशा इवन नहीं होगा और हमेशा ऑड नहीं होगा, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, ऐसा पूछेगा हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 25, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 50, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइम आर देयर बिटवीन 1 to 100, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं अगर आ जाते हैं तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पूछ रहा है 1 से 25 तक में कितने प्राइम्स हैं। तो देखिए यहाँ तक, यहाँ 25 से तो आगे नहीं जाना है, इससे पहले ही कितने प्राइम हैं, तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आंसर, इसका आंसर कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा, 9 होगा। तो याद रखिएगा 1 से 25 तक में 9 प्राइम्स हैं। जनरली इसको याद करना ही ईमान, इसको याद करना ही ज़्यादा
अच्छा है, क्योंकि आप इतना लिखेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। अब आपको पूछेगा 1 से 50 तक में कितने प्राइम हैं, तो 1 से 50 तक में अगर आपको कहेगा तो देखिए 53 तो नहीं लेना है, 50 के अंदर ही लेना है, तो देखिए कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल का टोटल प्राइम जो होता है वो आपका 1 to 50 में ऑब्वियसली कितने होंगे आपका, ये आपका 16 होगा। देखिए 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ऐसे करके जा रहे हैं। तो अगर 1 to 50 तक में अगर आप नंबर ऑफ प्राइम्स काउंट करेंगे तो 1 से 50 तक में यहाँ पे प्राइम आपको कितना दिख रहा है, हमको यहाँ पे 15 दिख रहे हैं। आप अगर काउंट कीजिए तो आप पूरा का पूरा काउंट कीजिए तो यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपका 15, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 15 ही लिख लीजिए, है ना। टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स कितने होंगे 1 से 50 तक के, आपको कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स, ऑब्वियसली आपका कितना है 15 है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और ऐसे ही करके मैं लिख दूं कि अगर 1 to 100 में आएगा तो देखिए 100 बहुत आगे तक जाएगा, उतना प्राइम लिखना मुश्किल है, इसीलिए मैं इसको याद कहता हूं कि इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि 1 to 50 तक में 15 होते हैं, 1 to 100 में 25 और 1 से 25 में 9 होते हैं। ये तीनों को तीनों याद रख लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, आपको टिक मार के आ जाना है। अगर आप ऐसे करके प्राइम नंबर लिखेंगे तो आपको लिखने में भी परेशानी होगी, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कौन किससे कट जाता है बीच में, अगर आपका 1 to 2 से 20 तक अच्छा नहीं है तो। और ऊपर से प्राइम तो गन्ने में इतना होता है, ऊपर से आप जब लिखेंगे फिर उसको काउंट करेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। 1 to 100 में डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि डट जाइए आप, 25 होते हैं, क्योंकि 100 तक मैंने भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन आपका प्राइम से काफ़ी हॉट होते हैं और ये सब क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, इसलिए ये तीनों को आपको अपने टंग पे रिमेंबर कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, चलिए ठीक है। तो मैंने प्राइम नंबर बता दिया, अब अगला जो नंबर है हमारा वो भी काफ़ी आसान है, अगला है हमारा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। अगला का क्या है हमारा 6 नंबर है, वो है क्या कंपोजिट नंबर, इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। याद रखिएगा एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो तब तो हमारा प्राइम नंबर होगा, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो आप लोग का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ये एग्जाम, ये आपको एग्जाम में ही पूछा हुआ था, आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ था। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 0, 1, सी है 2, डी है आपका 4, ऐसे करके ये मान लीजिए 3, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 2, यहाँ पे दे रहा हूँ 1। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है ये बात आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, ऐसा करके पूछा। एक और ऑप्शन देता हूँ, ई नंबर से ऑप्शन देता हूँ 6। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है ये आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है अरुणाचल में। लेकिन सबसे पहले आप अगर आपको कंपोजिट नंबर पता ही नहीं है कि होता क्या है तब तो आप ऐसे क्वेश्चन को लगा भी नहीं सकते। तो देखिए सबसे पहले जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, अगर 1 की बात करें तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, 2 की बात करें तो 1 और 2 ही हैं, दो ही फैक्टर हैं, 3 की बात करें तो 1 और 3 ही हैं, दो ही फैक्टर हैं, 4 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, ये तीनों इसके फैक्टर हैं, फैक्टर का मतलब जो इससे कट जाए। 5 की बात करें तो क्या है, 1 और 5 है सिर्फ,
जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो, तो देखिए सॉरी दो से ज़्यादा फैक्टर हो, यहाँ पे तो एक ही है तो ये कंपोजिट नहीं होगा, यहाँ पे दो ही है तो नहीं होगा, दो से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे दो ही है तो नहीं होगा, हाँ यहाँ पे दो से ज़्यादा है तीन है तो होगा, फिर यहाँ पे दो ही है तो नहीं होगा। तो आप चीज़ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है आपका, सबसे छोटा है आपका फोर। देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली दो से ज़्यादा फैक्टर हैं तो, या फिर जो कट जाते हैं कोई बीच वाले नंबर से वही आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो फोर बीच वाला टू से कट जाता है, अब फाइव जो है वो किसी से नहीं करता, सिर्फ वन और फाइव से, तो फाइव आपका प्राइम नंबर कहलाएगा, सिक्स आपका प्राइम नहीं कहलाएगा, सिक्स आपका कंपोजिट कहलाएगा, क्योंकि वन से भी करता है, टू से भी करता है, थ्री से भी करता है और सिक्स से भी करता है, मतलब चार चार इसके फैक्टर हैं। तो अगला क्या होगा, सिक्स। सेवन नहीं होगा क्या होगा, एट। नाइन नहीं होगा क्या होगा, टेन। एलेवन नहीं होगा क्या होगा, ट्वेल्व। ऐसे करके आपका जाता रहेगा, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सबसे छोटा कंपोजिट पूछेगा तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, डी वाला इसका आंसर होगा, ये एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा हो कि कंपोजिट नंबर क्या है। याद रखिएगा ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए नंबर विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट प्राइम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप प्राइम नंबर काउंट कर रहे थे तो जैसे टू प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो वो कंपोजिट नहीं होगा, थ्री प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं होगा, फोर आपका प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट होगा, फाइव आपका प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं होगा, सिक्स आपका क्या है, सिक्स आपका प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट होगा। तो मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है वही कंपोजिट है, जो कंपोजिट है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जो वो है वो ये नहीं है, जो ये है वो नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो यही है हमारे कंपोजिट नंबर, तो मैंने आपको कंपोजिट नंबर भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया। अब अगला हमारा लास्ट है परफेक्ट नंबर, क्या है हमारा परफेक्ट नंबर, तो ये क्या होता है देख लीजिए, सेवन नंबर है हमारा क्या परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ये सब छोटी छोटी बातें हैं बट एग्जाम में आता है। तो देखिए परफेक्ट नंबर है क्या, ठीक है, इफ द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब क्या है अभी बताता हूँ, जैसे देखिए हम एक नंबर को लेते हैं, किसी को लेते हैं थ्री, थ्री नहीं मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं सिक्स, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक होंगे वन, दूसरा होगा टू और तीसरा होगा थ्री। हम सिक्स को नहीं लेंगे, बस इसके फैक्टर्स लेंगे सिक्स को छोड़ के, खुद को छोड़ के, ये इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। और ऐसे ही करके हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं एट, एट के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, वन होंगे और क्या होंगे टू और क्या होंगे फोर होंगे, तो ये सब इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर्स हो गया, अब देखिए फैक्टर्स का मतलब जो इससे जिस वंजा में ये आता है, ठीक है ना, सिर्फ हमको सिक्स को नहीं लेंगे एट को नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे, तो इफ द सम ऑफ द फैक्टर्स, तो इस सब को जोड़ दीजिए, सम ऑफ द फैक्टर्स, इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद थ्री प्लस टू प्लस वन कितना सिक्स, फोर प्लस टू प्लस वन कितना फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन, तो यहाँ पे सेवन होगा, ठीक है, ऐसा है। इफ द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू द नंबर देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो अगर ये वाला नंबर जो आप जोड़ के फैक्टर्स को जोड़ के निकालते हैं और ये वाला, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, इसी को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। और यहाँ पे क्या बराबर है, यहाँ पे एट है और यहाँ पे सेवन है, तो ये वाला परफेक्ट नंबर नहीं है और ये वाला परफेक्ट नंबर है। तो अगर आपको परफेक्ट नंबर जानना है तो उसके फैक्टर्स को निकालिए, अगर उसका फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर आ गया तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा, नहीं तो परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा। बहुत सारे किताब में ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसी बातें आपको बताया ही नहीं जाएगा और किताब में आप गलत किताब में होगा ही नहीं और फिर आप नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता दिया हूँ परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं देता हूँ, आप लोग देखिएगा, बताइए इसमें से कौन कौन सा परफेक्ट नंबर है। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर, ऐसा क्वेश्चन देगा, इज परफेक्ट नंबर ऐसा देगा, उसमें ऑप्शन देगा ए 22, बी 28, सी 23, डी 30,
इसमें से इसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि परफेक्ट नंबर है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको बताता हूँ। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन कीजिए, 22 है, इसके फैक्टर क्या है, 1 है और 1 है और 11 है, अब तो कुछ नहीं है, अब दोनों को जोड़िए तो कितना हुआ 12, जो कि इसके बराबर नहीं आया, इसलिए परफेक्ट नंबर ये नहीं है। अब 28 को चेक कीजिए, 28 को, तो 28 के फैक्टर क्या है, 1 है और क्या है, 21 में भी आता है 28, 41 में भी आता है, अब 51 में नहीं, 61 में नहीं, 71 में आता है, फिर 141 में आता है, अब किसी 1 में 28 नहीं आता है, तो इसको जोड़िए, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 2 27 प्लस 1 28, देखिए यहाँ भी 28 आ गया और यहाँ भी 28 है, ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है, इसलिए आंसर क्या होगा 28 होगा, है ना, 22 तो नहीं होगा। अब 23 को चेक करेंगे, तो देखिए 23 को, 23 वन वन जा में आएगा, बस इसी में आएगा, है ना, तो वन को ऐसे निकालेंगे तो आपका जोड़ेंगे तो वन ही आएगा जो इससे मैच नहीं कर रहे, तो 23 परफेक्ट नंबर नहीं है। 30 की बात करेंगे तो 30 देखिए, वन वन जा में आता है, टू वन जा में भी आता है, थ्री वन जा में भी आता है, फोर वन जा में नहीं आएगा, फाइव वन जा में आएगा, सिक्स वन जा में भी आएगा, सेवन वन जा में नहीं आएगा, एट में नहीं आएगा, नाइन में नहीं आएगा, टेन में आएगा, टेन के बाद डायरेक्ट 15 में आएगा। ठीक है, टेन के बाद कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट आपका 15 में आएगा। अब सबको जोड़िए, तो देखिए 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 कितना, 12 प्लस 5 17 प्लस 10 कितना 27, 27 प्लस 15 27 और प्लस 15 है आपका, तो 42 हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये इससे कभी मैच करेगा ही नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो 28 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे करके परफेक्ट नंबर को हम डिफाइन करते हैं। कितना अच्छा है ये क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन सब आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लीजिए कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ परफेक्ट नंबर का, याद रखिएगा, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो होता है याद रख लीजिएगा वो 6 होता है, इसके बाद 28 होता है, तो पहला 6 है, दूसरा 28 है, और थर्ड जो है जो परफेक्ट नंबर है वो है 496। इतने ही तीनों को ही, इसी तीनों नंबर को याद रखिएगा, यही तीनों हमारा परफेक्ट नंबर है, और इसी तीनों से अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछेगा, इसको छोड़ के 500 तक इतने ही परफेक्ट नंबर हैं, इससे ज़्यादा आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 4 है, 28 है, 496 है, यही तीनों परफेक्ट नंबर हैं, और इससे आगे परफेक्ट नंबर और भी होगा, बट 500 तक में मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आपको पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो रैशनल नंबर के जितने भी रैशनल नंबर के टाइप हैं वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब थोड़ा सा मैं इरेशनल नंबर पढ़ाता हूँ, और भी इरेशनल नंबर के बारे में बाद में हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेशनल नंबर पढ़ा देता हूँ। इरेशनल नंबर, ठीक है, तो ए नंबर विच इज नॉट रैशनल, विच इज नॉट रैशनल, वो रियल नंबर के वो सारे नंबर्स, ठीक है ना, जो कि रैशनल नहीं है वही इरेशनल कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जनरली अंडर रूट ऑफ प्राइम के फॉर्म में होता है, जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ प्राइम। जैसे देखिए क्या होता है, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है अंडर रूट ऑफ कोई प्राइम नंबर बता दिए, 3, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 11, यही सब आपका प्राइम इरेशनल नंबर का क्या, यही इरेशनल नंबर का क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अंडर रूट ऑफ प्राइम के फॉर्म में होगा, जैसे अंडर रूट ऑफ 13, अंडर रूट ऑफ बहुत सारे प्राइम नंबर पढ़ाए हूँ, अंडर रूट ऑफ 23, अंडर रूट ऑफ कितना 43, ये सब सारे के सारे इरेशनल नंबर के पार्ट हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के दो पार्ट मैंने पढ़ाया, एक तो रैशनल, दूसरा इरेशनल। रैशनल का सारा टाइप बता दिया, और इरेशनल नंबर थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर दिया, और भी चीज़ें बाद में बताऊंगा। इमेजिनरी नंबर बताया था, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, अंडर रूट ऑफ -1, यही हमारा इमेजिनरी नंबर है, बोला था इसको आयोटा से याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें पूछेगा भी नहीं। ये सब हमारा 12th का 11th के टॉपिक का पार्ट है, जो आप लोग को नहीं पढ़ना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एनालिसिस है, तो वो 11th 12th में जो पढ़ते हैं उनका है, उनको पढ़ने हैं। आगे एक चीज़ और है, एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग जनरली एग्जाम में पढ़े होंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये पाई की वैल्यू 22/7 होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब कैसे होता है तो वो मैं दिखाता हूँ। देखिए कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पाई की वैल्यू जो है ना वो 3.14 होता है,
ये बात भी बिल्कुल गलत है। अब कैसे, तो देखिए ये मेरे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है या फिर आपके पास मोबाइल भी हो सकते हैं, तो उसमें मैं ऐसे करके पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो पाई की वैल्यू जब डालता हूँ तो इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ 3.1415926454 ऐसे करके बता रहे हैं, और 22/7 जब इसमें लाता हूँ तो 22/7 में इसमें मैं ले रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू मैं देख रहा हूँ तो 3.1428571428 ऐसे करके वैल्यू जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ही बताइए कि क्या पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू दोनों सेम है क्या? देखिए यहाँ पे 3.14 है, यहाँ पे 3.14 है, यहाँ तक तो मैच किया, बट आगे कहाँ मैच कर रहे हैं, आगे कहाँ मैच कर रहे हैं? यहाँ पे 1592 है, यहाँ पे 2857 है, मतलब ये है कि पाई 22/7 नहीं होता। तो याद रखिएगा ये आपका गलती है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, याद रखिएगा। और पाई की वैल्यू 3.14 से बहुत आगे होता है, तो 3.14 क्या होगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप एग्जैक्टली याद रख लीजिएगा, ये बात सही है, पाई 3.14 के बराबर नहीं होता, पाई 22/7 के बराबर भी नहीं होता। अब फिर आप ये सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है ना, तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होता, पाई की लगभग वैल्यू 3.14 होता है, और पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता, बल्कि पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होता है। तो ये बात सही है, ये मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, ये मैंने ऐसे करके लिखा है इक्वल टू को, इसको कहते हैं अप्रॉक्स, इसको क्या कहते हैं हम, अप्रॉक्स कहते हैं। तो ये लगभग वैल्यू इतना है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू इतना है, ठीक है ना। अगर आपके पास अगर आपके पॉकेट में 99 प्लस 50 पैसे हैं, मतलब 99.5 पैसे हैं, तो लगभग कोई स्टूडेंट बोलेगा आपके पास 100 रुपये हैं तो आप चल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर पूछेगा कि आपके पास 100 रुपये हैं तो बिल्कुल नहीं है, 99.5 ही हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 100 के बराबर है। तो ये पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इतना है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली बोलिए पाई की वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली बोलिए। एग्जैक्टली अगर 22/7 लिखेंगे तो वो गलती है, अगर आप पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखेंगे तो बिल्कुल गलती है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ, ठीक है ना, एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये भी बातें एग्जाम में पूछता है, ठीक है, वो क्या पूछता है वो देखिए। देखिए पाई तो 22/7 के बराबर बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना, यही कारण है। देखिए ये चूंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है इसीलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। तत्कालीन इसको रट जाइए, बाद में मैं बताऊंगा क्यों ऐसा है, और ये एक इरेशनल नंबर है, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको आप बिल्कुल रट जाइए कि पाई इज इरेशनल नंबर और 22/7 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना, इस बात को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। और क्यों ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा कि क्यों पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 क्यों इरेशनल नंबर है, ये बताऊंगा मैं बाद में। और कभी भी इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं होता, उससे भी प्रूफ हो जाता है कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे मैं आप लोग को क्या करूँगा कि एक होमवर्क दूंगा, क्या दूंगा आप लोग को, होमवर्क दूंगा, तो आप लोग को होमवर्क पूरा का पूरा बनाना है, और उसके नीचे में बना करके और उसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करना है। जैसे ही आप मुझे सॉल्यूशन सेंड कर देंगे फिर नेक्स्ट दिन हम आपको उसका सॉल्यूशन भेजेंगे, और फिर ऐसे ही हमारा कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे।